Hello friends, welcome to our YouTube channel DB Study. Friends, if you are new at our channel, then subscribe the channel and hit the bell icon for all the new notification. आज हम देखेंगे जो 2017 आरओ का मेंस हुआ है उसका आंसर की देखेंगे, उसके जीएस पेपर का आंसर की देखेंगे। यह सीरीज बी है और प्रश्न स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है इसमें कि मैच द लिस्ट वन लॉ और लिस्ट टू। इसमें जो पहला प्रश्न है सूची वन सूची दो को मिलान करना है। देश दिया गया है और प्रमुख प्राथमिक निर्यात दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है चाड, नाइजर, रवांडा और बेनिन और उस उन इन देशों से रिलेटेड प्रमुख प्राथमिक निर्यात है। तो इसमें इसका आंसर होगा डी। दूसरा आंसर देखिए, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उसका सही मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा तो इसे हम स्किप करते हैं। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो देखिए, इसमें न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। एक एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ये सारे होते हैं। लेकिन इनको सबको मिला के क्वार्क नाम दिया गया है। तो शायद ये थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग है, लेकिन क्वार्क का सही आंसर हो सकता है, ठीक है। और जो नीचे दी गई तालिका है इसमें इसमें जो नंबर ब्रैकेट खाली है, ये चार का आंसर इसमें बी होगा। रीजनिंग का प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है आयात कर। देखिए, आयात कर जब टैरिफ को घटाया जाता है, आयात कर रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है। आयात कर जो है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो है बी और सी, इस ए और सी इसका दोनों होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए, आयात कर यदि टैरिफ बढ़ा दिया जाता है तो ट्रेड का वॉल्यूम रिड्यूस होगा, टैरिफ घटाया जाएगा तो ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। दोनों प्रभाव डालता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए ये पोबैड का प्रश्न है, ये उठा के दे दिया है। एफ डब्ल्यू टेलर हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता इनको कहा जाता है। आंचल ठाकुर स्कीइंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। इन्होंने स्कीइंग में प्रथम अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतने वाली ये आंचल ठाकुर भारत की प्रथम खिलाड़ी बनी है, ठीक है। थारू जो है जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। आठवा का आंसर डी होगा, ठीक है। तथा नौवां प्रश्न जो है समितियां रिलेटेड हैं पंचायती राज से और किस किस वर्ष में बनी थी, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। सबसे पहले अशोक मेहता कमिटी बनी थी, उसके बाद आपका सबसे पहले बीआर मेहता कमिटी बनी थी, उसके बाद अशोक मेहता कमिटी बनी थी, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश रत्ना अवार्ड जो है भारतीय अमेरिकी जो फ्रैंक इस्माइल है इनको दिया गया है। और फूल का जो पत्ती से संबंध होता है वही पुस्तक का पृष्ठों से होता है, इसका आंसर होगा। बढ़ावा इसका क्वेश्चन है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोन, मेरे हिसाब से इसका सोन का जो कैचमेंट एरिया है वो अधिक होगा। और उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना करी जा रही है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। रैमन मैगसेसे अवार्ड 2018 जो है वो सोनम वांगचुक ने जीता है, इनको इससे सम्मानित किया गया है। और 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, या आर्टिकल 326 है। देखिए, लोम्बोक जल डमरू मध्य जो है अर्थात जो लोम्बोक एस्टेट है वो बाली और लोम्बोक को आपस में जोड़ता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, 17वां का आंसर बी होगा। उरुग्वे दौरा आपको गैट से रिलेटेड है, समझ रहे ना। उरुग्वे जो दौर है, उरुग्वे राउंड है, वो गैट से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसका अगला है स्टेट्स और उसके फॉर्मेशन का, कमिंग टू एग्जिस्टेंस का ईयर दिया हुआ है, इसका आंसर बी होगा, सही आंसर बी है, ठीक है। आगे जो फसल है और उससे संबंधित सर्वाधिक उत्पादक लार्जर प्रोड्यूसर स्टेट है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, रबड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है।
किसको हराकर सिमोना हाले फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 जीती हैं? तो वो थी स्लोन स्टीफेंस। नाभिक का आकार की कोटी होती है 1×10⁻¹⁵ मीटर, ठीक है, अर्थात 22वां का ये होगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है उसकी वो उसकी मतलब वो जो सिचुएटेड है कानपुर में, ठीक है। 24वां प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद लेडन और एक्सटीन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। पहले लेडन ने किया था, फिर उसके बाद एक्सटीन ने रस्किन ने किया था, इसका हिंदी नाम रस्किन दिया गया है। और महाकुंभ जैसा कि आप सभी जानते हैं 12 साल के बाद लगता है, हर एक 12 साल के बाद। और आपको बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर जो होता है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 नरेंद्र मोदी को दिया गया है, अर्थात 26वां का आंसर ए होगा। 27वां का बता रहा है कि पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। देखिए, ये लाभ मात्रा अनुपात में सुधार जो है वो सबसे किया जा सकता है, इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस से भी, अल्टरिंग सेल मिक्सचर से भी, और रिड्यूसिंग वेरिएबल कॉस्ट से थे। तो इसका आंसर डी होगा, सब होंगे इसका, ठीक है। इसमें दिया गया है कि देखिए 2018 का साहित्य के नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, कुछ वहाँ उसके मेंबर्स पे सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लग गया था, तो इस साल का जो नोबेल प्राइज है वो लिटरेचर में प्रदान नहीं किया गया 2018 का। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1994 में। अल्लाह जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकप्रिय संगीत है, ठीक है, अर्थात 31वां का आंसर बी होगा। और भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 80% से ज्यादा है, तो हमने 85% माना है, ठीक है, अर्थात 32वां का आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन और गुंटूर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, अर्थात 33वां का आंसर सी होगा। 34वां में दिया गया है कि समाचार पत्र है और उसके प्रकाशक हैं, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बंगाली के प्रकाशक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी के जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम के आपके अरविंदो घोष, और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। ये नंबर सीरीज है, इसका आगे का निकालना है। 166 है आंसर इसका, अर्थात 35 का आंसर सी है। देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन भारतीय नेता के किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये एम के गांधी और जवाहरलाल नेहरू में ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर सुरमा इंडस्ट्री? बरेली बहुत प्रसिद्ध है इसके लिए। चीनी उद्योग का भारतीय दक्षिण भारत में अधिक विकास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार भी अधिक होता है और गन्ने में रस की मात्रा भी दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39वां रीजनिंग है, इसका आंसर सी होगा, सी आंसर सही है इसका 39 का। 40 क्वेश्चन है, 40वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक दिए गए हैं और पुस्तक का शीर्षक दिया गया है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ये 1857 के वार पे रिलेटेड जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे रिलेटेड पुस्तक है, उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और 41वां का आंसर सी होगा, वो द्वैतवाद पुष्टि मार्ग विशिष्टा द्वैतवाद अद्वैतवाद हमेशा हम पढ़ते हैं, लूसेंट सी लगभग अप्रोक्स सारे प्रश्न का स्रोत है, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। और कह रहा है कि 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा किस प्रकार की वस्तु का? तो वो इंजीनियरिंग गुड्स थे, ठीक है, पिछले बार के वो इकोनॉमिक सर्वे में आया था। कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो है टर्बोक्यूलोसिस, अर्थात क्षय रोग। इसमें अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? जूनो पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, इसका आंसर ए होगा, 44 का आंसर ए होगा। फिर कह रहा है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है? वाराणसी में है। अब दिया गया है कि मल्लम पूजा बांध किस नदी पे है? मल्लम पूजा बांध, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मल्लम पूजा नदी पर ही है, ये भरत पूजा की ट्रिब्यूटरी है, मल्लम पूजा इसी पे मल्लम पूजा बांध निर्मित है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी पे। निम्नलिखित में गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जा, जा
जाता है। तो देखिए, लिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, सबको इंडिकेटर, मतलब सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी माना जाता है। तो इसमें परिवहन के साधनों की कम संख्या जो है इसका सही आंसर होगा, 48वां का। फिर 49 देखते हैं, फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, इसका आंसर बी होगा। 50वां नंबर जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर बी होगा। 51वां नंबर है ये मैच का प्रश्न है, मैचिंग करनी है, इसका भी आंसर बी होगा। ठीक है, आप आपको पता लग रहा होगा कि प्रश्न जो है बहुत मॉडरेट टाइप के पूछे हैं। किस शहर को राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास और संवर्धन योजना में अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, वो आगरा है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। ध्वनि की प्रबलता, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्पलीट्यूड से मापी जाती है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन द टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपका छोटा होगा तो वो श्रिल, श्रिल मतलब धीमा आवाज होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड में बेस अधिक आवाज होगा, लाउडनेस साउंड की अधिक होगी। ठीक है, गुप्ता गोल्ड को दिनार से, गुप्ता गोल्ड क्वाइन दिनार के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, पहला ही ये गलत है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, लेकिन इसका दूसरा जो रीजन है, ये इसका कारण दिया गया है, वो सही है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो देखिए, बेबल प्लान 1945 में आया था, सही है। नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में आया था। अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया था, और अगस्त ऑफर अगस्त 2012 में आया था। तो ये आपका पहला जो है नेहरू रिपोर्ट पहला होगा, क्रिप्स क्रिप्स मिशन सही है इसका पहला, इसका ए आंसर होगा, 57 का ए आंसर होगा। ठीक है, अब देखें, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक जो देश है वो सऊदी अरबिया है, अर्थात 58वां का आंसर सी होगा। देखिए, दूरदृष्टि दोष में, लॉन्ग साइटेडनेस में जो इमेज है वह रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना बनता है, तो 59 का सी होगा। हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ एन कॉज थर्मल पॉल्यूशन, ये शायद पूछा हुआ प्रश्न है, अर्थात 60 का सी होगा। ठीक है, 61वां का आंसर ए होगा, ये राजनीतिक दल है और उनके स्थापना का ईयर दिखा रहा है। 62वां का आंसर 126 होगा, रीजनिंग का प्रश्न है, नंबर सीरीज है। डॉल्फिन शोध संस्थान पटना में स्थापित किया जा रहा है, एज यू नो सबको पता होगा ये। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, इसका आंसर ए होगा। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है अभियोजक। चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पे है, अर्थात 66 का आंसर ए होगा। हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड में है, ब्राजील है, अर्थात 67 का बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड, राइस को अधिक फसल की रुपाई की जाती है, हम सबको मालूम है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे पहले टेस्ट शतक, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट शतक में शतक नहीं बनाया, सॉरी पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया, तो वो सुनील गावस्कर जी हैं जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया। ठीक है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है, डिटर्मिनेशन से मदर को नहीं बनाया जा सकता है, ये 71 का डी होगा। पार्ट 16 जो है कुछ वर्ब स्पेशल प्रोविजन ऑफ सर्टेन क्लासेस है, 72 का आंसर डी होगा। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, अर्थात 73 का आंसर बी होगा। और जो है विलेज रॉक स्टार को 2019 के लिए ऑस्कर में भारत की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। किंग मेकर के नाम से हुसैन अली और अब्दुल्ला अली को जाना जाता है। ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से डिस्ट्रॉय होता है, अर्थात 76 का आंसर सी होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैक, मलावी जो है लैंड लॉक कंट्री है अफ्रीका की, अर्थात मलावी इसका सही आंसर है, 77 का आंसर बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विच मतलब विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द मेजर रिसोर्स ऑफ रशिया। देखिए आयरन ओर है, कोल है, यूरेनियम है, डायमंड भी है, तो ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, इसका आंसर अब आयोग ही बताएगा। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, इसका आंसर बी होगा, अर्थात डी विटामिन्स है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित कर दिया जाता है, विधान परिषद में कितने माह तक रह सकता है, इसका आंसर सी होगा, 3 माह से अधिक तक नहीं। मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, सिंचाई, 81वां का आंसर डी होगा। 2000, देखिए एज पार्ट ऑफ द न्यू फॉरेस्ट इन्वेंट्री डिजाइन इंप्लीमेंटेड इन 2016 द रिविजिट टाइम हैज बीन रिड्यूस टू 5 ईयर, पहले 20 साल था, इसको रिड्यूस करके 5 साल बना दिया गया। ठीक है, वेयर वॉज दारा शिकोह बरिड, ये हुमायूं टॉम में दफनाया गया है, दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए पीपल प्लान जो है विनोबा भावे से ये संबंधित नहीं है, तो आप इसका 88वां का आंसर जो है सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑक्सीजन, 89 का आंसर ए होगा, इसका आंसर मैं नहीं निकाल पाया हूं, 90 का। ठीक है, और 91 का विबग्योर आप सभी जानते हैं, इंद्रधनुष का रंग है, 91 का आंसर ए होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक पेपर एंड कार्डमम प्रोड्यूस, केरला है, अर्थात 92 का आंसर डी होगा। 93 का आंसर सी होगा। ठीक है, डेमेस्ट्रियस जो है हिंद यूनानी थे, रुद्रयामन, रुद्र एक रुद्रयामन भी जिसको मालूम होगा वो डायरेक्ट निकाल देगा, बी का 4, एक ही आंसर से इसका निकल जाएगा, 93 का आंसर सी होगा। ठीक है, फिर 94 का आंसर बैटल ऑफ चंदावर, इन्वेजन ऑफ तैमूर, इन्वेजन ऑफ तैमूर जिसको मालूम होगा, बी का 1, 1398 में आया था, वो डायरेक्ट लगा देगा, 94 का आंसर डी होगा। ठीक है, 95 का आंसर आपका सी होगा, बैटल ऑफ दौरा, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, इसको क्रॉनिकली सजाना है। ठीक है, 96 में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात 96 का आंसर ए होगा। विच कंट्री हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मंगोलिया। पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ द कंट्री इज नॉट इंडस नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में मध्य प्रदेश का कोई भी जिला नहीं आता है। 99 का देखिए बहुत लोग इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं और इसको भ्रंशों पर इसमें कंफ्यूजन, ब्लॉक माउंटेन तो नहीं है वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो एक हट जाएगा, बाकी 2 और 3 सही है। गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, 100 का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरपाथ डीप ब्लू कलर ऑफ ग्लास, कोबाल्ट ऑक्साइड पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक, देखिए दो इसमें तो बताया गया था कि 590 मिलियन के आसपास पहुंच सकती है, तो 590 तो इसमें है नहीं ऑप्शन, ये 575 है इसके आसपास, तो इसे आप 575 ही मारिएगा, आंसर ए होगा 102 का। 103 का ब्राजील की धारा गर्म धारा है, बी होगा। जयाप्रदा को नेपाल सरकार ने पर्यटन एवं संस्कृति का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया क्या है, 104 का ए होगा। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे बॉम्बे क्रॉनिकल से रिलेटेड नहीं थे, तो ये इसका आंसर जो सही आंसर है नॉट करेक्टली मैच है, तो सी होगा, 105 का सी। ठीक है, कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी, तो 106 का आंसर बी होगा। ठीक है, और हु इज द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोनेट्री एंड फाइनेंशियल मैटर, RBI। 108, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है, दादर नागर हवेली। नेट एक्सपोर्ट इक्वल किसके बराबर होता है, इक्वल एक्सपोर्ट माइनस इक्वल सॉरी नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इम्पोर्ट। ठीक है, तो 109 का आंसर सी होगा। चित्रकूट वाटरफॉल जो है वो छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले के पास है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, 110 का बी होगा। और 111 में लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, इट अलाउ टू ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्टरेट, इसका आंसर बी होगा। देखिए ये तो सही है, ए और बी दोनों सही है, लेकिन बी जो है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर लेक है आप सभी जानते हैं, आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा पूछता है। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन 2008 कॉमनवेल्थ गेम, वो ऑस्ट्रेलिया था। 113 का ए होगा। विच फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। वेलफेयर ऑफ ओनली वाइल्ड एलिफेंट इज टेकन केयर ऑफ, नहीं, ये दोनों के लिए, चाहे वो जंगली हाथियाँ भी हो या वैसी हाथियाँ जो लोग पालते हैं या जू में रखते हैं। ठीक है, 115, 115 का बी होगा आंसर। इसमें कुछ मिनरल्स दिए गए हैं और उसका कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। 116 का सी होगा। और सेक्स रेशियो पर 2011 सेंसस लोएस्ट है दमन एवं दीव में। नॉर्वे के साथ जो है गवर्नमेंट एक सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी ऑन लॉ स्थापित कर रही है चेन्नई में। और चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा केवल चाय के व्यापार को छोड़कर चाइना के साथ सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया था ब्रिटिश संसद ने, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो 119 का ए होगा आंसर और 120 का ए होगा। तो ये था, ये मतलब इसमें मैं बताऊंगा 98% एक्यूरेसी है, बाकी थोड़ा कुछ जो मैं नहीं कर पाया हूँ, जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है सही ढंग से, मैंने उसे नहीं बताया है। अब आंसर की आप तो आयोग शायद मेंस का नहीं जारी करता है। ठीक है, आप लोग इसे आंसर मिला लीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिसने एग्जाम दिया है। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।